और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मैनपुरी में सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। इस हादसे में 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। खबरों के मुताबिक सभी सुबह 4:30 बजे कुआं पूजन में जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली में लाइट खराब हो जाने की वजह से सड़क पर ट्रैक्टर ठीक कर रहे थे, उसी समय ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यूपी के मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक तरफ से उनके समर्थकों ने उन्हें खींचा तो दूसरी तरफ से पुलिस ने बंगाल के सिलीगुड़ी के कुछ वार्ड जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट का हिस्सा है और कुछ दार्जिलिंग लोकसभा सीट का, और पहले चरण के मतदान में सिलीगुड़ी के उन हिस्सों में वोट डाले गए जो जलपाईगुड़ी का हिस्सा है। लेकिन मतदान के दौरान वहां खूब हंगामा हुआ और बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। वैसे जलपाईगुड़ी सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 में इस सीट से जीतकर सबको चौंका देने वाले जयंत कुमार रॉय फिर से मैदान में, और उनका मुकाबला टीएमसी के निर्मल चंद रॉय और लेफ्ट के देवराज बर्मन से। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पहले चरण के मतदान के बीच एक जवान नक्सलियों के बम धमाके में शहीद हो गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान वहां हुए आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। इस आईईडी ब्लास्ट में उस जवान के हाथ और पैर पर गंभीर चोट आई थी। ये ब्लास्ट मतदान केंद्र से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी